हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आज हम खेल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के 3 मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे मैच। आज इस मैच में आपको टीम इंडिया की बॉलिंग भी दिखाई देगी, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, पहली गेंद हवा में शॉट खेला है और ये जाएगा 6 रन के लिए। तो आते ही अपने हाथ खोले रोहित शर्मा ने, अगली गेंद के लिए तैयार रोहित शर्मा, फिर से हवा में शॉट खेला है और ये देकर जाएगा 4 रन। तो आसानी से गेप ढूंढते हुए रोहित शर्मा यहाँ पर लगता है पिछला मैच जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट किया, फिर से हवा में शॉट खेला है और ये भी देकर जाएगा 6 रन। तो पावर प्ले का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रोहित शर्मा अगली गेंद के लिए तैयार। 5 गेंद में 14 रन पे लिए आ चुके हैं। तो तीर की तरह सीधा शॉट और ये देकर जाएगा 4 रन। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई रोहित शर्मा की तरफ से। अब आया है शिखर धवन स्ट्राइक पे, पहली गेंद हवा में शॉट खेला है और ये जाएगा 6 रन के लिए, तीर की तरह सीधा शॉट। अगली गेंद सीधा हाथ में थमाया और शिखर धवन बाहर। तो शिखर धवन आउट होते हुए सीधे फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे, और यहाँ पर 2 गेंद में 6 रन बनाकर शिखर धवन आउट। इंडिया को लगा पहला झटका, बहुत ही बड़ी विकेट पाकिस्तान के लिए। अब आए विराट कोहली स्ट्राइक पे, पहली गेंद ऊंची गई है, देखते क्या, जी हाँ बहुत दूर भी गई है, तो ये देखकर जाएगी 6 रन। आते ही अपने हाथ खोले विराट कोहली ने, बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया, बहुत ही बढ़िया बैटिंग होती हुई इंडिया की तरफ से। 1.54 में 34 रन, फिर से हवा में शॉट खेला है फील्डर के ऊपर से और ये भी देखकर जाएगा 4 रन। तो विराट कोहली कंटिन्यू अपना प्रहार करते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई इंडिया की तरफ से। अब आए रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, स्वीप मारा है और ये भी जाएगा 6 रन के लिए, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई रोहित शर्मा की तरफ से। अब वो आए विराट का प्रहार और ये भी जाएगी 6 रन के लिए। तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग होती हुई दोनों ही बल्लेबाज द्वारा, कंटिन्यू प्रहार करते हुए पाकिस्तानी बॉलरों पर। विराट कोहली स्ट्राइक पे, बाबर आजम के हाथ में गेंद और ये बोल्ड, तो इंडिया को लगा दूसरा झटका विराट कोहली बोल्ड होते हुए, और ये पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा विकेट। अब आए श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पे, तो 2.4 ओवर में 2 विकेट गिर गए इंडिया के। श्रेयस अय्यर आते ही बड़ा शॉट खेला है और ये देख कर जाएगा 4 रन, बहुत ही बढ़िया चौका लगाते हुए श्रेयस अय्यर। आज तो सारे प्लेयर आते ही बड़ा शॉट खेल रहे हैं, पहली गेंद से ही पवेलियन से सेट होकर आ रहे हैं सारे बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई इंडिया की तरफ से। श्रेयस अय्यर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पीछे हटे और हवा में शॉट गया है और लगता है फील्डर मौजूद और सीधा हाथ में, तो श्रेयस अय्यर का भी विकेट जाता हुआ। श्रेयस अय्यर फील्डर को कैच थमाते हुए और इंडिया को लगा तीसरा झटका। श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा कुछ कमाल ना कर पाए, 4 रन बनाए बस। केएल राहुल स्ट्राइक पे, हवा में शॉट खेला है और ये देखकर जाएगा 6 रन। आज तो सारे बल्लेबाज प्रेविलियन से सेट होकर आए लगता, सब आते ही पहली गेंद पे शॉट लगा रहे हैं। केएल राहुल आते ही हाथ खोले अपने, लगाया पहली गेंद पर 6, 3 विकेट खो दिए इंडिया ने। कवर्स के ऊपर से मार रहा है, गेप ढूंढी और ये जाएगा 4 रन के लिए। तो 2 गेंदों में 10 रन मार दिए केएल राहुल ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई फील्ड सेट करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान कप्तान। ओवर की 5वीं गेंद, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही बल्लेबाज द्वारा, फिर से उठा के मार रहा है, स्वीप मार रहा है और ये तो बहुत दूर जाएगा डायरेक्ट सेकंड टीयर पे। राहुल का प्रहार
कंटिन्यू होता हुआ। ओवर के लास्ट गेंद फिर से वही शॉट और वही नतीजा, ये भी जाएगा 6 रन के लिए। तो कंटिन्यू 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए केएल राहुल ने। अब आए रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, कवर्स के ऊपर से मार रहा है और ये तो बहुत दूर जाएगा, ये देकर जाएगा 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी केएल राहुल, स्ट्राइक पे आए वापस, मिस हुई, एज लगा है, देखते हैं अंपायर, नहीं अंपायर ने नकारा है, देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं विकेट कीपर और पाकिस्तानी कप्तान, क्या DRS के लिए जाएंगे। जी हाँ, नहीं गए DRS के लिए, अपना रिव्यू बचाना चाहते हैं पाकिस्तानी कप्तान। स्ट्रेट मारा है सीधा शॉट और ये देकर जाएगा 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई केएल राहुल की तरफ से, कंटिन्यू प्रहार करते हुए, बॉलर को सांस भी नहीं लेने दे रहे दोनों ही बल्लेबाज, इतनी आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई। यहाँ पर इंडिया का स्कोर 100 रन के पार मात्र 5.2 ओवर में। अब आए केएल राहुल फिर से उठा के वही शॉट और वही नतीजा, ये भी गया 6 रन के लिए। तो आज तो अलग ही लय में दिख रहे दोनों ही बल्लेबाज। तो देखिए यहाँ पर 54 रन की पार्टनरशिप मात्र 15 गेंदों में, फिर से बड़ा शॉट खेला और ये भी जाएगा 6 रन के लिए। केएल राहुल अपनी क्लास दिखाते हुए यहाँ पर कंटिन्यू प्रहार करते हुए पहुँच गए 39 रनों पर, फिर से बड़ा शॉट खेला है और ये भी जाएगा 6 रन के लिए और ये तो बहुत ही दूर जाएगा। तो केएल राहुल की क्लास, सारी गेंदें बाउंड्री के पार, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर केएल राहुल की तरफ से। इंडिया का रन रेट 19.62, रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, ये भी जाएगा 6 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाज अब छक्का लगाते हुए, यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपनी 50 पूरे के, बहुत ही आक्रामक 50 और कंटिन्यू दूसरे मैच में दूसरी 50 लगाते हुए रोहित शर्मा यहाँ पर 6 छक्के और 3 चौके, इसके साथ रोहित शर्मा पहुँच गए 53 रन पर। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, कवर्स के ऊपर से मार रहा है, ये तो जाएगा बहुत दूर और देखकर जाएगा 6 रन। बहुत ही बड़ा छक्का, 59 रन पर पहुंच गए रोहित शर्मा यहाँ पर, और ये भी जाएगा छक्के के लिए और इसी के साथ रोहित शर्मा 65 रन पर पहुंचते। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, लगता है आज शतक जरूर लगाएंगे रोहित शर्मा। वाइड यॉर्कर और नतीजा वही, ये भी जाएगा 6 रन के लिए। कंटिन्यू प्रहार होता हुआ रोहित शर्मा की तरफ से, 71 रन पर पहुंच गए हैं मात्र 23 गेंदों में, कवर्स के ऊपर से और ये तो बहुत दूर गया और ये भी देकर जाएगा 6 रन। तो कंटिन्यू छक्के लगाते हुए, ये देखिए 100 रन की पार्टनरशिप मात्र 34 गेंदों में, दोनों ही बल्लेबाज द्वारा काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। और यहाँ पर चौका लगाते हुए रोहित शर्मा पहुँच गए हैं 81 रन पर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। इंडिया का स्कोर 160 रन 8.5 ओवर में। अगली गेंद के लिए तैयार रोहित शर्मा, फिर से उठाकर खेला है और ये भी जाएगा छक्के के लिए। तो रोहित शर्मा अपनी क्लास दिखाते हुए, अपना पावर दिखाते हुए रोहित शर्मा अब आए केएल राहुल स्ट्राइक पे, स्टंपिंग करिए और लगता केएल राहुल बाहर। जी हाँ, इंडिया को लगा चौथा झटका केएल राहुल स्टंप्ड हो गए, स्पिन को बड़ा शॉट मारने की कोशिश में आउट होते हुए 48 रन पर मात्र 19 गेंदों में। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करके आउट हुए केएल राहुल। अब आए हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन उम्मीद है इस मैच में। वैसे गेंदें भी सिर्फ 5 ही बची है, पहली गेंद 1 रन आउट हो गए यहाँ पे रोहित शर्मा, तो बहुत ही गलत कॉल अपने शतक से, बहुत ही पास में थे रोहित शर्मा, गलत कॉल के चलते रन आउट होते हुए रोहित शर्मा। तो यहाँ पर इंडिया को लगा 5वां झटका, रोहित शर्मा 87 रन बनाकर आउट होते हुए, और हवा में शॉट खेला है रविंद्र जडेजा, आसानी से 1 रन पूरा करेंगे, 2 रन के लिए भागे। जी हाँ, 2 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो यहाँ पर पहली इनिंग समाप्त होती हुई इंडिया ने बनाए 170 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
तो यहाँ पर दूसरी पारी का आगाज़ होता हुआ बहुत ही बढ़िया स्कोर बनाया है इंडिया ने 170 रन। बुमराह के हाथ में गेंद सौंपते हुए यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी और पहली गेंद वाइड होती हुई एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ पाकिस्तान को। तो बहुत ही सटीक गेंदबाजी होती हुई बुमराह की तरफ से, एक भी रन नहीं दिया अभी तक, सिर्फ एक वाइड का रन दिया है। बहुत ही ठिकाने पे गेंद गिरती हुई जसप्रीत बुमराह की, बहुत ही शानदार ओवर जाता हुआ। यहाँ पर स्विंग देखने को मिला और खूबसूरत कवर ड्राइव, तो पाकिस्तान की तरफ से पहला चौका लगता हुआ। नवदीप सैनी पहली गेंद डालेंगे, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर लेंथ डालते हुए सीधे फील्डर के हाथ में, बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ नवदीप सैनी का। ओवर की लास्ट गेंद शॉर्ट गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजी ने और ये जाएगा 6 रन के लिए। तो शॉर्ट गेंद का बहुत ही बढ़िया फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। अब आए मोहम्मद शमी, पहली गेंद एज लगा है, हाँ बिल्कुल एज लगा है, अंपायर आउट देंगे। तो आते ही अपना जलवा बिखेरते हुए मोहम्मद शमी, आते ही पहली विकेट झटक ली मोहम्मद शमी ने, तो पाकिस्तान का पहला विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए मोहम्मद शमी, एकदम सटीक निशाने पर गेंद और सीधा विकेट कीपर के हाथ में एज लगकर जाती हुई। ओवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है, पहली गेंद पर विकेट मिलते हुए मोहम्मद शमी को। दूसरी गेंद यॉर्कर लेंथ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए एकदम सटीक लेंथ बॉल, बहुत जल्दी पिक किया बल्लेबाज ने और ये देखकर जाएगा 4 रन। तो बहुत ही बढ़िया शॉट खेला बाबर आजम ने यहाँ पर, गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से पिक करते हुए, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती हुई मोहम्मद शमी की तरफ से। 4 रन दिए ओवर में और एक विकेट भी हासिल किया है। अब डालेंगे ओवर की 5वीं गेंद, बाबर आजम स्ट्राइक पे, यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश एकदम सटीक, तो कोई रन नहीं ले पाए यहाँ पर बाबर आजम। ओवर की आखिरी गेंद, अभी तक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है मोहम्मद शमी ने, एक विकेट लिया है, 4 रन ही दिए। आखिरी गेंद फिर से एज लगा है और ये भी होगा आउट। तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती हुई जी, अंपायर ने अब नॉट आउट दिया यहाँ पर DRS का फैसला लेते हुए। तो DRS के लिए जाएंगे विकेट कीपर इंडिया के, देखते हैं क्या थर्ड अंपायर क्या फैसला लेते हैं इस पे। तो यहाँ पर फेयर डिलीवरी होती हुई, तो यहाँ पर एज लगा है, जी हाँ एज लगा है, तो बल्लेबाज को जाना होगा बाहर और रिव्यू भी रिटर्न हो गया है वापस इंडिया का। तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती मोहम्मद शमी की तरफ से, ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर विकेट चटकाते हुए मोहम्मद शमी पाकिस्तान को लगा दूसरा झटका, एकदम बैक फुट पे ला दिया पाकिस्तान का मोहम्मद शमी ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का नज़ारा। अब स्पिनर के हाथ में गेंद, जी हाँ पहली गेंद LPW अंपायर ने आउट दिया है। यहाँ पर DRS देखते हैं लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर DRS के लिए जाएंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज, अब देखते हैं थर्ड अंपायर क्या फैसला लेते हैं DRS का। यहाँ पर शायद बल्ले का एज लगा है तो नॉट आउट करा दिए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एज लग के पेट पर लगी है तो नॉट आउट। अंपायर का कर ले डिसीजन, अपना डिसीजन बदलते हुए अंपायर यहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया ओवर की शुरुआत होती हुई यजवंत चहल के लिए, जीवनदान ज़रूर मिला है फकर जमान को, देखते हैं कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। तो अगली गेंद के लिए तैयार फकर जमान, आसानी से फ्लिक किया 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती हुई इंडिया की तरफ से। अब आए रविंद्र जडेजा, पहली गेंद पर हवा में शॉट खेला है और सीधा हाथ में
तो पहली गेंद पर विकेट चटकाते हुए यहाँ पर रविंद्र जडेजा बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती हुई पहली गेंद पर सटीक गेंदबाजी और सीधे फील्डर के हाथ में गेंद सौंपी बल्लेबाज ने। यहाँ पर एक रन के लिए आसानी से फ्लिक किया, दो रन के लिए दौड़े और दो रन भी आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। हार्दिक पांड्या जी हाँ सटीक गेंदबाजी और सीधे फील्डर के हाथ में। अभी तक बहुत बढ़िया बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से और रन रेट बहुत ही ऊपर चला गया है। अब 28 गेंदों में 138 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल टारगेट लग रहा है। यहाँ से देखते हैं कितना करीब पहुँच पाते हैं टारगेट के। अभी तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद, एक रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। पांड्या का ओवर बहुत ही बढ़िया गया। अब चहल के हाथ में गेंद, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद सौंपते हुए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नज़ारा देखते हुए 34 का रन रेट चाहिए अब, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा। युजवेंद्र चहल अपनी अगली गेंद डालते हुए 3 विकेट जो बहुत ही जल्दी झटका दिए इंडिया ने, उससे पाकिस्तान बहुत ही पूरा बैकफुट पर चला गया, जिससे रन रेट भी बहुत बढ़ गया है, 34 का रन रेट हो गया है। तो यहाँ से मैच जीतना तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखते हैं कितना करीब पहुँच पाते हैं टारगेट के पाकिस्तान। अभी तक बढ़िया बॉलिंग करते हुए युजवेंद्र चहल, दो गेंद दोनों ही डॉट गेंद जाती हुई, गुड लेंथ हवा में शॉट खेला है और ये जाएगा 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया पिक करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, थोड़ा सा रूम दिखा नहीं और सीधा छक्का लगा दिया बल्लेबाज ने यहाँ पर। अब 21 गेंदों में 127 रन, बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए मैच जीतना। अब तो हर गेंद में छक्का चाहिए अगर मैच जीतना हो तो। और ये गया बढ़िया फ्लिक गया, एक रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ, 7 रन आ गए। बना पाकिस्तान के बल्लेबाज चाहेंगे कि ये ओवर बड़ा बने। फिर से स्ट्रेट खेला है तो तीर की तरह सीधा शॉट जाएगा और फील्डर मौजूद है, 2 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो यहाँ पर 9 रन आ गए, पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ। वो ओवर की लास्ट गेंद, शॉर्ट लेंथ और हवा में शॉट खेला है और ये देकर जाएगा 6 रन। तो ओवर की लास्ट गेंद में अपने हाथ खोलते हुए बल्लेबाज और जड़ दिया 6 रन, तो 15 रन का ओवर बना दिया इसको पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। तो यहाँ पर एज लगता हुआ तो अंपायर क्या डिसाइड करते, अंपायर ने नॉट आउट दिया है तो यहाँ पर DRS के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ, DRS इंडिया के विकेट कीपर खेल रहा, उन्होंने यहाँ पर DRS लिया है, देखते क्या डिसाइड करते हैं थर्ड अंपायर। तो बैट और बॉल का कहीं से कहीं तक संपर्क नहीं हुआ, बहुत ही दूर रह गई बॉल बैट से। तो यहाँ पर अपना रिव्यू गवाया इंडिया ने, नॉट आउट करा दिए जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज। अब चाहिए 17 गेंद में 118 रन, जो कि अब तो बहुत ही नामुमकिन सा टारगेट महसूस हो रहा है। यहाँ से पाकिस्तान कोशिश तो ज़रूर करेगा कि बहुत करीब पहुँचे इस टारगेट के। शॉर्ट लेंथ रिवर्स स्वीप खेला है और विकेट कीपर के ऊपर से और ये देकर जाएगा 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी बल्लेबाज। नवदीप सैनी अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और हवा में शॉट खेला है और ये देकर जाएगा 4 रन। तो बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ पाकिस्तान की दृष्टिकोण से, ये कंटिन्यू प्रहार करते हुए यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाज। तो यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद, दिशा से भटके नवदीप सैनी और वाइड देकर वाइड करार दी जाएगी अंपायर द्वारा। जी हाँ, वाइड करार दी अंपायर ने, तो दिशा से भटके हुए क्योंकि दबाव अब नवदीप सैनी के ऊपर है। 13 रन पहले ही आ चुके हैं इस ओवर से और अभी भी एक गेंद बाकी। ओवर की लास्ट गेंद, ये भी उठा के शॉट मारा है, ये तो बहुत दूर जाएगा, तो ये भी जाएगा छक्के के लिए। तो 19 रन आ गए पिछले ओवर से।
अब आए मोहम्मद शमी, पहली गेंद डालेंगे। पहली गेंद ही हवा में शॉट उठाया है और ये देकर जाएगा 4 रन। तो आते ही अपने हाथ खोले पाकिस्तानी बल्लेबाज ने। पहली गेंद से ही दबाव बनाना चाहते हैं बॉलर के ऊपर। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गया था मोहम्मद शमी का, 2 विकेट जरूर झटके थे। देखते हैं इस ओवर में क्या कमाल करते हैं। तो 11 गेंद में 95 रन चाहिए, जो कि बहुत ही नामुमकिन सा टारगेट महसूस हो रहा है यहाँ से। अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हुई है इंडिया की तरफ से। अगली गेंद ये भी हवा में शॉट खेला और ये भी देकर जाएगा 6 रन। तो कंटिन्यू प्रहार करते हुए यहाँ पर अब पाकिस्तानी बल्लेबाज। तो पार्टनरशिप 54 रन की मात्र 18 गेंदों में। आखिरी के ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपना गियर बदला। यहाँ पर फील्ड सेट करते हुए पाकिस्तानी यहाँ पर फील्ड सेट करते हुए इंडिया के कप्तान अब यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे मोहम्मद शमी। 10 रन पहले ही आ चुके हैं 2 गेंदों में। तीसरी गेंद रिवर्स स्वीप मारा है और विकेट कीपर के ऊपर से और ये देखकर जाएगा 6 रन। तो कंटिन्यू 2 छक्के लगाते हुए यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई आखिरी के ओवरों में पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ ये। 16 रन आ गए 3 गेंद में। अगली गेंद गुड लेंथ और ये भी जो उठा के मारा है और ये भी देखकर जाएगा 6 रन। तो 3 छक्के लगातार पाकिस्तानी बल्लेबाज और ये अपना अर्धशतक पूरा करेंगे यहाँ पर फखर जमान भाई। कहाँ फील्ड सेट करें, लगता है पूरे मैच के रन ये इसी ओवर में बना लेंगे। दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कहाँ गेंद डाले। अगली गेंद के लिए तैयार। बहुत ही महंगा ओवर जाता हुआ यहाँ पर मोहम्मद शमी का। 22 रन आ गए मात्र 4 गेंदों में। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट अब 57 का पहुँच गया है, तो जो कि बहुत ही नामुमकिन होगा जीतने के लिए। बढ़िया फ्लिक किया है 1 रन के लिए आसानी से। तो यहाँ पर 23 रन आ गए और अभी भी ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है। देखते हैं कितना बड़ा ये ओवर ओवर बनता है। तो ओवर की लास्ट गेंद मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद। तो बढ़िया बढ़िया शॉट, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो अब इनिंग का आखिरी ओवर, जो कि अब बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, यॉर्कर किंग बुमराह। अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है मैच में, क्योंकि टारगेट तो अब बहुत दूर रह गया है पाकिस्तान के हाथों से। अब 6 गेंद में 75 रन, जो कि बहुत ही नामुमकिन सा टारगेट है यहाँ पर। बुमराह की पहली गेंद यॉर्कर लेंथ, कोई जवाब नहीं था यहाँ पर बल्लेबाज के पास। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर। तो ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर गुड लेंथ डालने के प्रयास में रहेंगे जसप्रीत बुमराह। गुड लेंथ गेंद और सीधा फील्डर के हाथ में जाते हुए 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। अभी तक बढ़िया ओवर जाता हुआ जसप्रीत बुमराह का। 2 रन दिए 2 गेंदों में। तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती हुई जसप्रीत बुमराह के द्वारा। 1.2 ओवर में मात्र 7 रन दिए, जो कि बहुत बढ़िया इकोनॉमी है। यॉर्कर लेन गेंद बिल्कुल नहीं पड़ पाए बल्लेबाज यहाँ पर और सीधे फील्डर के हाथ में 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगली गेंद फिर यॉर्कर, यही खासियत है बुमराह की, अगर यॉर्कर डालेंगे तो बिल्कुल भी बल्लेबाज के पास पड़ने का मौका नहीं रहता। फिर से यॉर्कर, फिर से हाथों में गेंद फील्डर के, डॉट गेंद। तो अभी तक बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ बुमराह का। 4 गेंदों में मात्र 4 रन, ये क्लास है बुमराह की। डेथ ओवर स्पेलिस्ट कहलाते जसप्रीत बुमराह।
शॉर्ट लेंथ, बहुत ही बढ़िया पिक किया बल्लेबाज ने और ये जाएगा 6 रन के लिए। तो प्रयास करते हुए जसप्रीत बुमराह यॉर्कर से छोड़कर शॉर्ट लेंथ पर आए और बल्लेबाज ने बहुत ही बढ़िया पिक करके छक्का लगा दिया। तो इनिंग की लास्ट गेंद और पाकिस्तान इनिंग के लास्ट गेंद डालते हुए भी यॉर्कर लेंथ नहीं है, फील्डर के थोड़ा सा आगे गिरी, डायरेक्ट हिट लेकिन आराम से क्रीज के अंदर पहुंचती है बल्लेबाज का बल्लेबाज। तो यहाँ पर इंडिया ने यह मैच भी 63 रनों से जीत लिया है। तो 3 मैचों की सीरीज में इंडिया 3-0 से ये सीरीज अपने नाम करी, टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करा यहाँ पर। तो पाकिस्तान ने लड़ाई तो करी है लेकिन आखिरी के ओवरों में करी, अगर पहले करते तो शायद ये मैच उनके पक्ष में चला जाता। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।